कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी अपनी यात्रा तो न्याय और भारत जोड़ो के नाम से निकाल रहे हैं, मगर दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आपस में मारपिटाई और एक दूसरे के कपड़े फाड़ते दिखाई दे रहे हैं। मुरादाबाद में राहुल गांधी की यात्रा से पहले 5-स्टार होटल में जो कुछ हुआ उसे लेकर कांग्रेस नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा। शनिवार को कांग्रेस की यात्रा मुरादाबाद मंडल में पहुंची थी और उससे एक दिन पहले आधी रात को मुरादाबाद में दिल्ली रोड स्थित एक होटल में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटे थे। मुद्दा तो राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ जुटाने का था, मगर आधी रात को मोहब्बत का जलसा नफरत में तब्दील हो गया। देखते देखते कांग्रेसियों के दो गुट आपस में भिड़ गए, जमकर मारकूट हुई और एक दूसरे के कपड़े फाड़े गए। गौर करने वाली बात यह है कि देर रात जब कांग्रेसियों में सिर्फ फुटबॉल हुई उस समय कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत तमाम वरिष्ठ नेता भी होटल में मौजूद थे। इसके बाद भी झगड़े में शामिल कार्यकर्ताओं ने किसी सीनियर का लिहाज नहीं किया और झगड़ा शांत नहीं किया। हंगामा बढ़ने और झगड़ा रोकने को पुलिस की मदद लेनी पड़ गई। बताया जा रहा है कि देर शाम होटल पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश सचिव सचिन चौधरी के समर्थकों से कुछ लोगों का विवाद हो गया था। दूसरा पक्ष भी कांग्रेसियों का ही बताया गया है। उधर कांग्रेस नेता सचिन चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि होटल में उनके समर्थकों से अभद्रता की गई है। घटना के समय वह प्रदेश अध्यक्ष को उनके कमरे तक छोड़ने गए थे। उनके वहां से हटते ही विवाद हो गया। बता दें कि अमरोहा में राहुल गांधी की यात्रा के समय क्षेत्रीय सांसद दानिश अली के विरोध में भी स्थानीय जनता ने जमकर विरोध किया। 5 साल क्षेत्र में नजर नहीं आने को लेकर लोगों में सांसद दानिश अली के खिलाफ भारी आक्रोश दिखाई दिया। दानिश को बसपा पार्टी से निकाल चुकी है और अब वह कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। मुरादाबाद में प्रियंका गांधी भी भाई राहुल गांधी के साथ यात्रा में नजर आई हैं। यात्रा में उमड़ी भीड़ के दौरान भगदड़ की भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वायरल वीडियो में लोग एक दूसरे को धकेलते और गिराते आगे बढ़ते रिकॉर्ड हुए हैं। मुरादाबाद मंडल में राहुल गांधी की यात्रा से पहले होटल में कांग्रेसियों के बीच आपस में मारपीट और उसके बाद यात्रा के दौरान भगदड़ को लेकर पार्टी नेता असहज दिखाई दे रहे हैं।